हेलो एवरीवन बच्चों, आज आपका चैप्टर 13 स्टार्ट होता है। चैप्टर नेम है पैटर्न्स, पेज नंबर 161। पैटर्न यानी कि आपको आगे तक वही पैटर्न करना है क्वेश्चन में जो उसमें दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, लुक एट द पैटर्न गिव बिलो एंड कंप्लीट द सीक्वेंस। आप जो पैटर्न देख रहे हैं उसको उसी सीक्वेंस से आगे तक कंप्लीट करना है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कौन दिए हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कौन की, जो ये है यहाँ पे वर्टेक्स, ये क्या है, नीचे की साइड है, यहाँ पर ऊपर की साइड है, यहाँ पर नीचे फिर ऊपर फिर यहाँ पे इसके नीचे की साइड है, आपको ऊपर की साइड है ना, तो आप क्या करेंगे, इसी पैटर्न को आगे तक फॉलो करना है। आप जैसे ये नीचे था फिर ये ऊपर चला गया, फिर नीचे फिर ऊपर, ऐसे आपको ये भी बनाना है, यानी कि नीचे की साइड फिर ऊपर की साइड फिर नीचे की साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर 1 लाइन ड्रो है, फिर 2 लाइन ड्रो है, फिर 3 लाइन ड्रो है, फिर 4 लाइन ड्रो है, आपको यही पैटर्न यूज़ करते हुए आगे तक फिल करना है। यानी कि यहाँ पर 5 लाइन ड्रो करनी है, यहाँ पर 6 लाइन ड्रो करनी है, यहाँ पर 7 लाइन ड्रो करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर 2 2 सर्कल बने हुए हैं, 2 सर्कल साइड में है, फिर 2 सर्कल ऐसे बने हुए हैं नीचे को, फिर 2 सर्कल साइड में, फिर 2 सर्कल ऐसे, यानी कि आप क्या करेंगे, 2 साइड में, फिर 2 फिर ऐसे बनाएंगे, फिर 2 फिर साइड में बनाएंगे, ठीक है। आपको वही पैटर्न आगे तक फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 4, आप देख सकते हैं सर्कल के अंदर ट्रायंगल है, ट्रायंगल, ठीक है, एक बार ट्रायंगल ऐसे सीधा बना है, एक बार ट्रायंगल उल्टा बना है, सीधा फिर उल्टा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या है, उल्टा बना हुआ है, यहाँ पर सीधा बनाना है, फिर उल्टा बनाना है, फिर यहाँ पर सीधा बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर आपके 4 डॉट दिए हुए हैं, फिर 5 4 5, फिर आपको 4 डॉट बनाने हैं, फिर 5 डॉट बनाने हैं, फिर आपको 4 डॉट बनाने हैं। फिल इन द मिसिंग शेप्स इन ईच पैटर्न्स, आपको फिल करना है पैटर्न का यूज़ करते हुए, ठीक है। आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम में 1 एप्पल है, सेकंड कॉलम में 2 एप्पल है, फिर थर्ड कॉलम में फिर आप 1 बनाएंगे, फिर 2 एप्पल बनाएंगे, फिर 1 एप्पल बनाएंगे, फिर 2 एप्पल बनाएंगे, और यहाँ पर फिर से 1 एप्पल आपका ऑलरेडी बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर एक एरो की है, ये देखिए ऊपर की साइड है, फिर डाउन, अप डाउन, फिर आप क्या करेंगे, अप फिर डाउन, फिर अप ऑलरेडी बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर पेंसिल है, फिर ये आपकी रेज़र पेंसिल है, पेंसिल पेंसिल रेज़र, आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, फिर पेंसिल रेज़र बनी हुई है, यहाँ पर आप पेंसिल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी आपको देख सकते हैं एक एरो की दिया हुआ है, अप डाउन अप डाउन, फिर आपको अप करना है, यहाँ पे डाउन ऑलरेडी है, आपको यहाँ पर अप करना है। बेटा इस तरीके से आपका जो है ये चैप्टर, ये क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। पैटर्न्स आर नॉट ओनली इन द पिक्चर, दे आर फाउंड इन नंबर 2। यू हैव डन स्किप काउंटिंग अर्लियर, द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज हियर। आपको ओनली पिक्चर में ही पैटर्न फॉलो नहीं करने हैं, नंबरिंग में भी पैटर्न फॉलो करने आने चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नंबरिंग है और कुछ कॉलम्स यहाँ पर छूटे हुए हैं, आपको उनको फिल करना है पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो इसमें अप्लाई किए हुए हैं उनको भी आपको आगे तक फॉलो करना है। देखिए 2 4 6 कौन सा पैटर्न चल रहा है, यानी कि 1 को स्किप करते हुए, स्किप काउंटिंग है ये, ठीक है, 1 को स्किप करते हुए 1 डिजिट स्किप है, 2 लिखा हुआ है, 3 को स्किप किया यानी कि छोड़ दिया गया, फिर 4 लिखा, 5 को स्किप किया, 6 लिखा, 7 को स्किप किया, 8 लिखा, 9 को स्किप करेंगे यहाँ पर 10 लिखेंगे, 11 को स्किप करेंगे यहाँ पर 12 लिखेंगे। आप देख सकते हैं ये 2 का टेबल भी बन जाता है, यहाँ पर 1 2 को स्किप किया, 3 4 को स्किप किया, 5 6 को स्किप किया, 7 8 को स्किप किया, 9 10 को स्किप किया, 11। इस तरीके से आपको ये करना है। देखिए कंटिन्यू द पैटर्न्स, यहाँ पर इस पैटर्न को कंटिन्यू करना है। 14 16 18 20, यहाँ पे आप लिखेंगे 22 24 26 28, ठीक है। बेटा ये पैटर्न मैंने यहाँ तक आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, आपको कुछ क्वेश्चन सेल्फ करने हैं, बाद में फिर मैच करने हैं। 2 3 4 5 ये पैटर्न आप खुद सॉल्व करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपके जो है ये चैप्टर कंप्लीट होता है।
ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है आपको ऐसी पैटर्न यूज़ करते हुए करनी है, ठीक है। ये आपको सेल्फ करना है, वैसे मैंने फिल किया हुआ है लेकिन ये आप सेल्फ करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।